लोक निर्माण विभाग ने दावा किया है कि कुंभ नगरी हरिद्वार में दिसंबर माह तक सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। मुख्य अभियंता एनपी सिंह ने बताया कि पीडब्ल्यूडी हरिद्वार में युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी कुंभ क्षेत्र में 5 अस्थायी पुल और कई सड़कों का निर्माण कार्य कर रहा है। इसके साथ ही अस्थायी टेंटों के लिए भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में 2021 के शुरुआत में कुंभ मेले का आयोजन होना है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के कारण यह निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए हैं। अब अनलॉक शुरू होने के बाद सरकार की मंशा है कि यह नियत समय पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाए। इसे देखते हुए पीडब्ल्यूडी सहित सभी निर्माणदाय संस्थाएं अपने कार्य को समय पर पूरा करना चाहती हैं। जहां तक लोक निर्माण विभाग के जो परमानेंट नेचर के वर्क है, जैसे ब्रिजेस हैं या जो हमारी बड़ी रोड्स वगैरह थी, जो भी हमें काम दिए गए हैं काफ़ी एडवांस स्टेज में, और जहां तक हम 15 दिसंबर तक लगभग सब काम जो पहले से चल रहे हैं वो पूर्ण कर लेंगे। हम इन टाइम में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ हमारे टेम्परेरी पुल बन रहे हैं, 5 पुल का निर्णय हुआ, तो वो हमारा काम वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, दिसंबर के लास्ट तक वो भी पूरे हो जाएंगे। तो हमारा कोई वैसा ब्रिजेस का जो परमानेंट नेचर के उनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ हमारी जो रोडों की सरफेस वगैरह रिन्यूअल वगैरह के कार्य हैं वो भी हमारे सेंक्शन हुए हैं लेटेस्ट, उसके टेंडर हमारे हो गए और हम संभवतः नवंबर में या मे बी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक वो काम भी हम सरफेसिंग का पूरा कर लेंगे। तो कुंभ में हमारा पीडब्ल्यूडी का जहाँ तक है, हम संभवतः हम अपने सभी कार्य जो भी हमें दिए गए हैं टाइम से पूर्ण करने में सफल होंगे।